आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार की शाम अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को करेंगे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत, कोविड-19 की करेंगे समीक्षा। कोरोना के रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 11 से 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा विशेष टीका उत्सव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो जारी कर लोगों को किया जागरूक, कहा बढ़ते सावधानी, अवश्य कराएं टीकाकरण। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कोरोना पर नहीं हुआ नियंत्रण तो लगेगा रात्रि कर्फ्यू, जनता करे सहयोग जिससे लग सके कोरोना पर लगाम। आपराधिक इतिहास वाले प्रत्याशियों पर जिला प्रशासन हुआ सख्त, शपथ पत्रों में तथ्य छुपाने वाले जिला बदर माफिया सुधीर सिंह और पत्नी अंजू सिंह का नामांकन किया निरस्त। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड-19 कंट्रोल रूम के संभावित निरीक्षण के मद्देनजर मंडलायुक्त जयंत निकल ने किया कंट्रोल रूम का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, कहा कंट्रोल रूम से की जा रही है कोविड संक्रमितों की निगरानी। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी मीडिया से हुए रूबरू, कहा कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रेलवे प्रशासन है पूरी तरह से सतर्क, यात्री तथा कर्मचारी को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है जागरूक। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहे रामगढ़ ताल झील में लगे जलकुंभी के अंबार को जीडीए उपाध्यक्ष की देखरेख में किया गया साफ, कहा ताल के चारों तरफ बनाया जा रहा है रैंप, निकाला जाएगा जलकुंभी। महापौर सीताराम जायसवाल के नेतृत्व में नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों में किया मास्क का वितरण। महापौर ने कहा शनिवार से महानगर में बिना मास्क के घूमने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना तथा वाहनों का किया जाएगा चालान। सदर सांसद रवि किशन ने जिला अस्पताल गोरखपुर में कोवैक्सीन का लिया पहला डोज, लॉकडाउन लगने की संभावनाओं को किया खारिज, नागरिकों से की अपील, कहा अवश्य लगाएं वैक्सीनेशन। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 281 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 23,116। अब तक 369 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 1,394 हो चुके एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया पंचायत चुनाव वार रूम का फीता काटकर उद्घाटन, कहा पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को मिलेगी सहूलियत तो बनेंगे विजयी। एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने जिले में तैनात पुलिस रिस्पांस व्हीकल टीम के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगाए गए कार्मिकों को योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह तथा एनएक्सी भवन में 3 शिफ्टों में चौथे दिन भी दिया गया प्रशिक्षण। 14 अप्रैल को कार्मिक अपने ब्लॉक पर पहुंचकर करेंगे रिपोर्ट, 15 अप्रैल को अपने बूथ पहुंचकर कराएंगे मतदान। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत सप्ताह समारोह के अंतर्गत भूगोल विभाग के तत्वाधान में आयोजित हुआ ज्योग्राफी ऑफ वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस विषय पर संगोष्ठी, ऑनलाइन शामिल हुए कुलपति, रखें अपने विचार। जनपद में जिला अस्पताल सहित 20 केंद्रों पर 45 साल से ऊपर के नागरिकों का किया गया वैक्सीनेशन, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियमों का करें पालन। जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता में शुक्रवार को खेले गए मैच में रवि स्पोर्टिंग कूड़ाघाट एवं संदीप क्लब पीपीगंज और आदर्श क्लब बेलपार एवं स्टार क्लब भगवानपुर के पीच का मैच हुआ ड्रा। गोरखा बॉय एसपी को हराकर सेंट जोसेफ एफसी ने किया जीत हासिल। और भाई जी की 50वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित श्री राम कथा का हुआ शुक्रवार को समापन। कथा व्यास ने कहा नशे के समान होता है अति उत्साह, मति बिगड़ने की रहती है संभावना।